हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं हम पर सब काहे इल्जाम लगा रहे थे। हमने सच में कुछ नहीं किया दीदी। दोष पराई देखी करी, चला हसंत हसंत अपने याद न आवे, जिसका आदि न अंत। ये हम नहीं, संत कबीर दास कह गए हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, जब वो दूसरों के दोष देखता है तब उसे अपने दोष नजर नहीं आते, जिसका न आदि है और न अंत है। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो आंखों का धोखा भी हो सकता है। गर्भवती महिला पर प्रहार करके जो पाप किया है उसका दंड आप सबको भुगतना ही पड़ेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इन्होंने टमाटर मारने के लिए उकसाया था हमें। इंद्रेश, अपनी आंखों देखी नहीं, अपने मन की आवाज सुनी। चलो स्वाति, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ये संतोषी दीदी भी ना इंद्रेश के मन में चिंगारी लगाकर चली गई। मैं कैसे इंद्रेश को एक्सप्लेन करूं कि इस सब में मैं शामिल नहीं थी। मैंने किसी को नहीं उकसाया स्वाति को पत्थर या टमाटर मारने पर। क्या करूं? इन्होंने टमाटर मारने के लिए उकसाया था हमें। अपनी आंखों देखी नहीं, अपने मन की आवाज सुनी। तो वही काम से कौन क्या करूं मैं? देवी संतोषी, आपकी आंखों देखी, कानों सुनी एवं सारा ज्ञान हम इंद्रेश के मस्तिष्क से मिटा देंगे, या तक कि स्वाति के मन की क्या वे स्वयं के अंतर मन की ध्वनि भी नहीं सुन पाएगा। इंद्रेश, मेरी बात तो सुनो। मैं वो मिटा देंगे आपका दिया हुआ ज्ञान इंद्रेश के मस्तिष्क से। देवी संतोषी ने मात्र हमारा खेल बिगाड़ा है, हम उनका काम बिगाड़ देंगे। इंद्रेश, are you okay? क्या हुआ? Yeah, I'm okay. सैमी पर दोष लगाना तो क्या, अब इंद्रेश को देवी संतोषी का दिया हुआ ज्ञान भी याद नहीं रहेगा, उसका उतना ही याद रहेगा जितना हम चाहते हैं। स्वाति कहाँ? क्या हुआ इंद्रेश? तो लोग यहाँ पत्थर और टमाटर से मार रहे थे, कहाँ गए वो सब? और वो पुलिस वाले को लेकर आए थे हम यहाँ, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? बहुत हो गया इसका तमाशा। क्या बोल रहा है? सिर्फ इसे मुझ पर इल्जाम लगाने वाली बात याद नहीं है, संतोषी दीदी वाली बात भी याद नहीं है। Unbelievable, weird, but good for me. इसको पागलों के डॉक्टर को दिखाना ही होगा। देवी संतोषी, अब हुआ खेल बराबर का। आपने असुर पुत्री महिषी को बंदी बनाया और हमने
हमारी भक्त सैमी को उसका मनचाहा वर दे दिया। अब वही होगा जो हमारी भक्त सैमी चाहेगी। क्या कर रही थी तुम? अरे बच्चा क्यों चुरा रही थी? क्या पागलपन की सारी हदें पार हो गई है क्या जो एक घिनौना पाप करने जा रही थी? अगर आज संतोषी दीदी समय पर ना पहुंचती तो पता नहीं कहाँ हो जाता। अगर समय रहते वो सबको ये ना बताती कि वो बच्चा नहीं एक गुड़िया है, सब लोग मिलकर हमारे साथ क्या करते? हम सबकी भी क्या गलती, हमें जानते थोड़ी ना है हम। पर इंद्रेश, इंद्रेश से अच्छे से तो हमें कोई नहीं जान सकता। उसने ऐसा कैसे मान लिया कि हम बच्चा चुरा के भाग सकते हैं किसी का? शायद इंद्रेश को लगा होगा कि हम पागल हो चुके हैं, उसी पागलपन में किसी का बच्चा चुरा रहे। तुम भी ना, पापा का नाम लिया नहीं कि तुम हिलना डुलना शुरू कर देते हो। हाँ, हमें पता है तुम भी अपने पापा के बिना नहीं रह पा रहे ना। और तुम्हारे पापा हैं कहाँ? अब तक नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, हम पापा के पास चलते हैं। हाँ, इंद्रेश, इंद्रेश, लो, पापा तो वहां सो रहे हैं। पता है हमारा बच्चा हमें लात मार रहा है ना? तुम्हें भी बताते, देखा फिर से हमारी लात, तुम्हें महसूस हुई? इंद्रेश, हमारे बच्चे ने लात मारी। इंद्रेश, क्या हुआ है? तुम कुछ बोल का ही नहीं रहे। इंद्रेश, कहाँ हुआ? माँ संतोषी कहाँ हो गया है? इंद्रेश, 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 तो तुम्हें चिल्लाने का मौका मिल ही गया, मेलोड्रामा क्वीन। इंद्रेश, इंद्रेश, अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, बस थोड़ा नशे में है। नशे में? यस मैम, नशे में। क्या हुआ, सुनकर अच्छा नहीं लगा? आई एम श्योर तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने इंद्रेश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लत लगा दी है। अब इसे कॉफी विद बिस्की के बिना नींद नहीं आती, जस्ट अभी अभी पीकर सोया है। और एक बार ये नशे की हालत में सो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत इसे उठा नहीं सकती। कुछ समझ आया स्वाति, या सब कुछ सर पे से निकल गया? हमें तो सब समझ में आ गया है सैमी, लेकिन तुम शायद ही नहीं जानती, बुराई चाहे कितनी भी नसीली क्यों ना हो, अच्छे लोगों पर ज्यादा समय तक असर नहीं कर पाती। देखना, इंद्रेश उठेगा भी जरूर और तुम्हारी लगाई हुई इस गंदी आदत को छोड़ेगा भी जरूर। फ्रीमॉन स्वाति, सपने देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। देखो, जितना जी चाहे सपने देखो, लेकिन रियलिटी तो यही है
कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा भगवान चाहता है कि मैं और इंद्रेश हमेशा साथ रहे। तुम कहाँ जानो भगवान को और उनकी चाहत को? तुम तो जानती हो ना अपने भगवान को, फिर ये क्यों नहीं समझ पाई कि जो आज मार्केट में हुआ उसके पीछे भगवान की क्या चाहत थी? और आज अगर वो सब नहीं होता तो भगवान का क्या बिगड़ जाता? नहीं जानती ना, मैं बताती हूँ, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि भगवान तुम्हारा गेम बिगाड़ना चाहते हैं और मेरी जिंदगी बनाना चाहते हैं। वो क्या है ना, उनकी मुझ पर क्या कहते हैं तुम्हारी डाउन मार्केट लैंग्वेज में, कृपा सृष्टि, कृपा दृष्टि है। वैसे अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, तुम्हारे चैलेंज का तीसरा दिन खत्म हो चुका है, अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन, उसके बाद तुम बाहर और मैं और इंद्रेश अंदर। कितनी जल्दी रहती है ना तुम्हें फैसला सुनाने की सन। भूलो मत कि अभी भी 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों में हम इंद्रेश को तुमसे वापस पाकर रहेंगे। सॉरी, गलत बोल दिया हमने, इंद्रेश तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तो वापस कैसे आएगा? वो हमेशा से हमारा था और आगे भी रहेगा। और एक बात, तुम इंद्रेश की फिक्र करना छोड़ दो सैमी और खुद की फिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। बस आज की रात है तुम्हारे पास, चैन से सो जाओ क्योंकि कल के बाद तुम्हें नींद नहीं आने वाली, क्योंकि कल होगा तुम्हारे खेल का दी एंड। कहीं मेरे खेल का दी एंड करने के चक्कर में तुम फिनिश ना हो जाओ स्वाति। हमने कह तो दिया कि कल सैमी के खेल का दी एंड है, हम ये सब करेंगे कैसे, ऐसा कहाँ करें हम, इंद्रेश के सरसे का जादू उतर जाए और हमारा बच्चा इंद्रेश और हम फिर से एक हो जाए। हे माँ संतोषी, जिस तरह आप हमेशा हमें मुसीबतों से बचाती आई हैं, इस कठिन समय को भी दूर कर दीजिए माँ, हमारा मार्गदर्शन करिए माँ कि हमारी बात का मान रह पाए और इंद्रेश के सर पर सहमी का जो बुरा असर है वो उतर जाए। कुछ ऐसा करिए माँ कि कल संकष्टी की पूजा में इंद्रेश पूरे मन से भाग ले और उसके दिल दिमाग पर जो अंधेरा छाया है वो दूर हो जाए। कृपा करना माँ, कृपा करना। जय माँ संतोषी। रक्षा करना माँ, रक्षा करना। पिताश्री, कल के विशेष दिन संपूर्ण देवलोक और धरती लोक पर आपके लिए व्रत और पूजन का पूरे उत्साह से प्रबंध हो रहा है।
परंतु आप किसी और गूढ़ सोच में डूबे हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम आपके भक्त स्वाति के बारे में विचार कर रहे थे। स्वयं श्री गणेश जिसके बारे में विचार कर रहे हैं उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। कल उसी भाग्यशाली भक्त स्वाति को आपकी पूजा करने के फल स्वरूप उसके और उसके शिशु की रक्षा करने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पुत्री, स्वाति तुम्हारी भक्त है एवं हमें ज्ञात है तुम उसके शिशु और उसके लिए संपूर्ण प्रयत्न करोगी, परंतु क्या पिताश्री? परिस्थिति थोड़ी विकट है पुत्री। स्वाति स्वयं एक विशेष स्त्री है एवं भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आने वाले दिनों में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ अपने समस्त अखंडों का प्रयोग करते हुए उसे हानि पहुँचाना चाहेंगी। उनसे आपको स्वाति को बचाना होगा। ऐसे में माता पार्वती द्वारा दिया हुआ सुरक्षा कवच आपकी भक्ति की रक्षा कर सकता है। जी पिताश्री, वो भुजा बंद तो हमने उसकी गोद भराई में दे दिया था। आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो सुरक्षा कवच अर्थात बाजूबंद स्वाति सदैव धारण किए रहे, अन्यथा असुर शक्तियाँ उस पर अवश्य वार करेंगी। जी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है हमसे कहाँ चूक हो गई है। वो तो समय रहते हमने इंद्रेश के मस्तिष्क से उस घटना के बारे में मिटा दिया था, अन्यथा हमारा अब तक का परिश्रम व्यर्थ हो जाता। गुरुदेव, इससे पूर्व कि हमारे मार्ग में दूसरी बाधा उत्पन्न हो, हमें शीघ्र ही हमारी योजना के दूसरे चरण का परिपालन करना होगा। गुरुदेव बताइए, इन दोनों का उपयोग कब एवं कैसे करना होगा? हे असुरानी पौलमी, किसी भी कार्य से पूर्व हमें महेशी को उनके बंधन से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। महेशी के स्वतंत्र होते ही हमें अपनी सारी असुर शक्तियां को एकत्रित करके देवताओं पे आक्रमण करना ही होगा। नहीं, देवताओं पर आक्रमण करना उपयुक्त नहीं होगा। हमारा उद्देश्य देवताओं पर आक्रमण नहीं, अभी तो कुछ और है। सदैव इसका स्मरण रहे, अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ो। स्वाति के गर्भ में पलने वाली देवताओं की प्रतीक उस विशेष कन्या को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो देवी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, इन दोनों असुर पुत्रियों को क्या करना होगा? देवी पौलमी, इन दोनों में से किसी एक को धरती पर सदैव स्वाति के आसपास मंडराते रहना होगा और उचित अवसर मिलते ही उस पर वार करना होगा। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, परंतु इन दोनों के स्वाति के पास होने का ज्ञात तो त्रिदेवियों को हो ही जाएगा और वो दौड़ती भागती स्वाति की सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगी। जिस प्रकार उन चार असुरों महिषासुर, शंभासुर, नागाकाईमासुर और मक्खी का पृथ्वी पर मानव रूप में उपस्थिति का किसी को पता नहीं चला था, ठीक उसी प्रकार ताड़का और पूतना की उपस्थिति का किसी को पता ना चले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ताड़का, जब तक ये मुद्रिका तुम्हारे उंगली में रहेगी कोई भी दिव्य शक्ति को तुम्हारे असुरी मूल का पता नहीं चलेगा। शीघ्र जाओ और स्वाति के निकट रहते हुए उस पर वार करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जैसी इच्छा असुर रानी पौलमी।